एंटी होगा। एसटी का एजुकेशन में इस्तेमाल करते हुए तो टीचर्स हैं उनके लिए प्रतिवर्ष आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो मुझे एससीईआरटी लखनऊ की तरफ से भेजा गया था। 14 लोगों ने आवेदन किया था हमारे प्रदेश से और 7 लोग यहाँ से गए, जिसमें से 1 का सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो साक्षरता की दर है वो 50% से कम है। ऐसे में इंग्लिश में पढ़ाना एक असिस्टेंट टीचर के साथ 100 उसको एक अध्यापक के साथ तो बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इससे मुझे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में या टीचर्स की अवेलेबिलिटी ये सारी चीज़ों में अगर मुझे इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाए तो हम लोग थोड़ा और अच्छे से अपने स्कूल को डेवलप कर सकें, ये प्रॉब्लम नज़र आती है। पूरी दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो इन्होंने देखा नहीं है या बैरियर्स इनके लिए कभी नहीं है। जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने हमें दिया है वो हम लोगों ने पूरा औरों के लिए ये संदेश देना चाहूँगी कि हमें अगर कोई चीज़ करनी होती है तो हम उसके रास्ते तलाशते, नहीं करनी होती है तो बहाने तलाशते, बस ये रास्ते तलाशते जाए। एक तरफ जहां प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षा स्तर की गुणवत्ता में कमी दिखाई देती है, वहीं प्राथमिक विद्यालय धुसहा एक तरह से नज़ीर साबित हो रहा है। यहां के बच्चे हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यमों में धारा प्रवाह रूप से कविताएं और अन्य चीज़ें बोल पढ़ और सुना पाते हैं। यहां की प्रधानाध्यापिका प्रतिमा सिंह को इसी बाबत आने वाले 21 नवम्बर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार MHRD द्वारा शिक्षकों के सम्मान में दिया जाता है।